एमआईएम द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, ये बात सही है, पर शहर की फिजा न बिगड़ रही है न बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब ये खेल जो है एमआईएम का, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण का, ये बहुत पुराना हो गया। अब जनता सब चीजों को जानती है और शहर का दोनों तबका, हिंदू तबका मुस्लिम तबका, दोनों स्टेट से वाकिफ है। और एमआईएम की पतंग जो उड़ रही है, पतंग तो सबको दिख रही है और मांझा किसके हाथ में एमआईएम का वो भी दिख रहा है। एमआईएम की जो डोर है ना, एमआईएम की जो डोर है वो किसके हाथ में है ये भी जनता जानती है। ये पतंग उड़ने से और इनके भड़काऊ भाषण से फायदा कौन उठाना चाहता है ये भी जनता जानती है। क्या पतंग कटेगी? पतंग भी कटेगी और मांझा उड़ाने वाले का भी पर्दाफाश होने वाला है कि मांझा किसके हाथ में है। मीटिंग कहलाती है तो क्या सही है? जवाब आपने ही दे दिया मुझे कुछ। भैया एमआईएम द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, ये बात सही है, पर शहर की फिजा न बिगड़ रही है न बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब ये खेल जो है एमआईएम का, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण का, ये बहुत पुराना हो गया। अब जनता सब चीजों को जानती है और शहर का दोनों तबका, हिंदू तबका मुस्लिम तबका, दोनों स्टेट से वाकिफ है। और एमआईएम की पतंग जो उड़ रही है, पतंग तो सबको दिख रही है और मांझा किसके हाथ में एमआईएम का वो भी दिख रहा है। एमआईएम की जो डोर है ना, एमआईएम की जो डोर है वो किसके हाथ में है ये भी जनता जानती है। ये पतंग उड़ने से और इनके भड़काऊ भाषण से फायदा कौन उठाना चाहता है ये भी जनता जानती है। क्या पतंग कटेगी? पतंग भी कटेगी और मांझा उड़ाने वाले का भी पर्दाफाश होने वाला है कि मांझा किसके हाथ में है। मीटिंग कहलाती है तो क्या सही है? जवाब आपने ही दे दिया मुझे कुछ। भैया।